हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कभी नहीं वो आज मेरा मन किया था कि मैं खाना बनाऊं, और मैंने ऑलमोस्ट, आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने शुरुआत कर ली थी। आई ऑलरेडी स्टार्टेड, मैंने खाना बनाने के लिए शुरुआत की एंड माय मॉम कम्स होम। मम्मी आके बोलती है कि बाहर खाने चले। सो अब उन्होंने मुझे आके बोला कि ये जो कर रही है उसको रोक दे एंड हम बाहर चल रहे थे। सो फाइनली हम लोग निकल गए टू ईट। हम लोग डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं। भाई को नहीं लेके जा रहे इस बार सिर्फ हम दोनों ही जा रहे हैं, क्योंकि भाई सो रहा है एंड वो बाहर गया था, तो इसलिए देखते हैं। अब तक हमारी ऑटो आई नहीं है, पता नहीं यार ये ऊबर वाले लोग इतना थैंक यू लगाते हैं। दिखा रहा है अभी भी कि 1 मिनट है, और वो 1 मिनट पिछले 3 मिनट से वो हमको 1 मिनट ही दिखा रहा है। गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। तो कंफ्यूजन, और हम लोग एक्चुअली बहुत घूम के आए और लोकेशन बहुत ज़्यादा घुमा के दिखा रहा था। एक्चुअली इट वाज इजी फ्रॉम हाईवे, अगर हम लोग को अगर सीधा आ जाते तो हम लोग पहुँच जाते, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को जो मैप्स में दिखा रहा था उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा लंबा पड़ा। तो मैं बताती हूँ आपको हम कहाँ पर आए हैं। हम आए कोकन फ्यूजन में। आई नो अगेन अ प्लेस जहाँ पे फ़िश मिलता है, बहुत अच्छा। मॉम का अभी फास्टिंग शुरू होने वाला है, तो कुछ 3 मंथ्स तो हम लोग अभी नहीं खाएंगे, एंड उसके बाद तो आई थिंक गणपति फिर नवरात्रि शुरू ही हो जाएगा, तो आई थिंक वैसे भी हम लोगों का बंद ही रहेगा। सो या अब देखते हैं अंदर और हमें क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं। लेट्स एंजॉय। सो गाइस दिस इज़ द प्लेस एंड अब हम अंदर जाएंगे। सो गाइस दिस इज स्टफ्ड पापलेट, राइट? पॉम्फ्रेट, यहाँ मराठीत बोलत होती मैं। अच्छा, मम्मी ने जब जस्ट हाईलाइट किया ये प्लेट का शेप इज ऑल्सो फिश। आई डोंट नो व्हाट इज दिस ग्रेवी मेड ऑफ, बट ये सच में बहुत अलग टेस्ट है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। तो सेकेंड थाली इज ऑल्सो हियर। सो गाइस ये दिस इज़ कोम्बी वड़े, जो कि हमारे नेटिव में बहुत बनता है एंड आई लव इट। इसका वॉश बेसिन भी कैसे है, लेकिन इट हैज़ अ थीम। यू गेट दिस, दिस इज सो गुड यार। आई थिंक ऐसा घर पे भी लगाना चाहिए। आई रियली लव दिस। यहाँ पे भी है वैसे वॉश बेसिन। वाओ दिस इज सो गुड। वाव, ये सारे ना चीज़ें हमारे आई थिंक पुराने टाइम में ऐसे सारी यूटेंसिल्स यूज हुए। ये ना हम लोग करंजी बोलते हैं ना, उसको बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इसकी तो डब्बा। सो गाइस दिस प्लेस इज़ रियली गुड। डेफिनेटली इफ़ यू स्टे नियर बाय टू यू नो कड़वा, थाने और वेरेवर, आई वुड से माय रिकमेंडेशन वुड बी कि यहाँ पे डेफिनेटली यू हैव टू कम फॉर 1 विजिट। द फूड इज़ माइंड ब्लोइंग एंड द प्लेस इज़ वेरी ब्यूटिफुल, बिकॉज यहाँ पे हर एक चीज़ में बहुत छोटी छोटी डिटेलिंग है एंड इवन एवरीथिंग इज़ रीजनेबल, विच इज़ आई थिंक लाइक अ चेरी ऑन टॉप। सो डेफिनेटली डू विजिट दिस प्लेस एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल वेन एवर आई विजिट सच ऑथेंटिक प्लेसेज। ऑल्सो द फूड इज़ सो ऑथेंटिक, आई मीन द ग्रेवीज एंड यू नो वट एवर इट वॉज
हर एक चीज़ एकदम टिपिकल जैसे हम लोग बनाते हैं ना नेटिव में, इट वॉज़ एग्जैक्टली मेड लाइक दैट. तो आजकल के रेस्टोरेंट्स में जैसे बनते हैं, आई डोंट थिंक सो इट वॉज़ मेड लाइक दैट. हाय मंकी, चिंटू हेलो, चिंटू हाय. एंड यहाँ पे गाइस ये ना चूल्हा है, एकदम टिपिकल जो घर पे रहता है ना पुराने. एंड दिस इज़ खलबत्ता बोलते हैं हम लोग मराठी में, आई डोंट नो हिंदी में इसको क्या बुलाते हैं, बट इवन द किटली फॉर ऑयल चूल्हा, देन दीज क्यूट लिटिल मिनिएचर्स, एंड दिस इज बर्नी एंड दैट्स मी. गो मानसी अण्णा नाईक पण आहे, बघलंच नाही. अरे हा यार, थँक्यू काका, खूप छान होतं, खूप मस्त तुमची सर्व्हिस पण आम्हाला खूप आवडली आणि तुम्ही खूप छान हे मेंटेन केलं सगळं, थँक्यू. नेक्स्ट टाइम नाही नाही चालेल, मी मगाशी केलंय बाहेरचं. गाइस चलते चलते आय सॉ दिस अँड इट इज सो प्रिटी, आय डोंट नो किसकी आहे बट बहुत प्रिटी आहे. सो फाइनली वी आर बैक, हम लोग घर पहुंच गए हैं. वैसे हम लोग थोड़ा नीचे ऐसे ही राउंड मार रहे बिकॉज बहुत लेट हो चुका है और हमने बहुत खाया फिर भी बच गया, हम लोग पार्सल लेके आ गए घर पे. हमने ना पहले मंगाया था एक पॉम्फ्रेट, कुछ स्टफ़ पॉम्फ्रेट था उसका नाम, और वो बहुत अलग ही टाइप से बना हुआ था. मतलब यूजुअली आई हैव सीन चिकन इतना स्टफ बनता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ डालते हैं, बट ये ग्रीन ग्रेवी में आई थिंक इट वाज कोकोनट का चटनी एंड सम हर्ब्स एंड एवरीथिंग, तो उसका ऐसा कुछ मिक्सचर था जिसको अच्छे से एकदम कोटिंग था उसके ऊपर, और उसका जो हाँ इट वाज हाँ राइट राइट, और वो ना कोकोनट ऑयल में बना हुआ था स्पेशली, तो इसलिए उसका जो फ्लेवर था ना मतलब बहुत ही अलग था एंड बहुत टेस्टी था वो. तो वो एक हो गया, और दूसरी चीज़ हमने जो मंगाई थी इट वाज अ थाली, इट वाज अ चिकन थाली. तो चिकन थाली में भी इतना सारा अच्छा मतलब वैरायटी था, वैरायटी छोड़ो यार वैरायटी तो हर जगह पे मिल ही जाता है वैसे, बट उसका जो क्वालिटी और जो टेस्ट था इट वाज रियली गुड. तो आई थिंक उसका जो चिकन सूखा था ना उसका चिकन बहुत अच्छे से कुक था. नॉर्मली ना मुझे बाहर का चिकन पसंद नहीं है क्योंकि अच्छा लॉलीपॉप ठीक है, लॉलीपॉप पसंद है मुझे, लेकिन बाहर का चिकन ना मुझे ऐसा लगता है कि वो अच्छे से कुक नहीं रहता है तो फिर बॉइल्ड रहता है, इसीलिए मुझे यूजुअली अच्छा नहीं लगता है. लेकिन सरप्राइजिंगली आई लव्ड द चिकन जो हमने यहाँ पे खाया था. ऑल्सो गाइज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ थम्स अप, कमेंट कर देना, और कैसे कैसे वीडियोस आपको देखने में मज़ा आएगा, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल मैं वही दिखाती हूँ जो मैं मेरे लाइफ में चल रहा है, मैं कुछ कहीं पे जा रही हूँ, कुछ खा रही हूँ, कुछ कर रही हूँ. तो बट बिसाइड्स दैट इफ़ यू लाइक टू सी माय वार्डरोब, इफ़ यू वुड लाइक टू सी मी डूइंग सम चैलेंजेस एंड ऑल, डू कॉमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट मैं जब भी आऊँ तो आपको पता चले कि ओके मेरा वीडियो आ गया है. तो या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय.